नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जर्मी बेंथम के उपयोगितावादी विचार या पाश्चात्य राजनीतिक विचारों की श्रेणी में जर्मी बेंथम का नाम भी राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मुख्य स्थान रखता है। तो जर्मी बेंथम को आज हम पढ़ेंगे। जर्मी बेंथम के जो मुख्य राजनीतिक विचार है वो उपयोगितावाद के संदर्भ में है। उपयोगितावाद क्या है, क्योंकि बेंथम ने जॉन स्टुअर्ट मिल के उपयोगितावादी विचार उसके जो जो बेंथम ने जो एक उपयोगितावाद के जो विचारधारा रखी थी उसमें राजनीतिक विज्ञान में हम उसको समझेंगे कि किस प्रकार उसने मानव स्वभाव का मानव प्रकृति का चित्रण किया और किस प्रकार उपयोगितावाद मतलब कि एक राज्य के कार्य किस प्रकार सुख और दुख से प्रभावित होकर राज्य को कार्य करने चाहिए। तो बेंथम जो कि उपयोगितावादी विचारक है जिसने उपयोगितावादी सिद्धांत दिया जिसमें उसका मुख्य दर्शन था अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख या अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित की अवधारणा उसने रखी और इसी आधार पर उसने राज्य की कार्यों को राज्य की श्रेष्ठता को उसने प्रमाणित किया है। तो बेंथम का उपयोगितावाद राज्य के कार्यधारा से राज्य के कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ है, राज्य की प्रकृति से जुड़ा हुआ है। राज्य की प्रकृति के आधार पर राजनीतिक विज्ञान में बच्चों विभिन्न प्रकार की राजनीतिक विचारधाराओं का उदय हुआ जिसमें व्यक्तिवाद, उदारवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसमें से उपयोगितावाद भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधारा है जो राज्य के कार्यक्षेत्र को उपयोगिता की दृष्टि से निर्धारित करता है। यानी कि राज्य का कार्यक्षेत्र है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित राज्य का मुख्य कार्यक्षेत्र। इसी आधार पर बेंथम के उपयोगितावाद को हम पढ़ेंगे। जर्मी बेंथम के राजनीतिक विचारों में इसके जो आपके अक्सर एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आता है वह है बेंथम के उपयोगितावाद का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। तो यहाँ पर आज हम उपयोगितावाद को पढ़ेंगे, उसका संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे कि जैसा बेंथम ने कहा कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख दो प्रभुत्व संपन्न स्वामियों के अधीन रखा है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये केवल सुख और दुख ही निर्धारित करते हैं। तो मनुष्य का जो व्यवहार है वो निर्धारित होता है सुख और दुख से। जो काम मनुष्य को सुख प्रदान करता है वो उसके लिए अच्छा है, जो काम मनुष्य को दुख प्रदान करता है वो उसके लिए बुरा है। तो मनुष्य सुख प्राप्त करना चाहता है, आनंद प्राप्त करना चाहता है और राज्य के कार्यों को उसने उपयोगिता की दृष्टि से देखा है जो सुख पर आधारित है, जो व्यक्ति को आनंद और सुख प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि उपयोगितावाद जो है वो 19वीं शताब्दी में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इंग्लैंड के दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के कार्य क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण विचारधारा है, एक महत्वपूर्ण दर्शन है। तो उपयोगितावाद का मूलभूत आधार जैसा कि मैंने आपको भी बताया अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जो है वो उपयोगितावाद का मूल दर्शन है जो राज्य की प्रगति और राज्य के कार्य पर आधारित विचारधारा है। और इस विचारधारा के अनुसार सभी जो भी राज्य के जो कार्य होते हैं उसका मापदंड उपयोगिता होना चाहिए। मतलब कि राज्य के कार्यों का मूल्यांकन का आधार या राज्य के कार्यक्षेत्र का आधार केवल और केवल उपयोगिता है, यानी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो इस प्रकार उपयोगिता जो है वो मानव जीवन का आधार है इस विचारधारा के अनुसार, और राज्य का कार्यक्षेत्र भी उपयोगिता पर आधारित है और इसी दर्शन को हम उपयोगितावाद कहते हैं। तो इस प्रकार उपयोगितावाद एक ऐसी विचारधारा है जो कि मानवीय आचरण की जो प्रकृति है उसका जो प्रेरक सिद्धांत है वो नैतिक सिद्धांत है। और इस आधार पर हम देखें तो बेंथम और मिल दो उपयोगितावादी विचारक हैं और इन उपयोगितावादियों ने इस नैतिक सिद्धांत को कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इस नैतिक सिद्धांत को उन्होंने राज्य के कार्यक्षेत्र पर लागू किया है और राज्य के कार्यक्षेत्र को इसी उपयोगितावादी दर्शन के सिद्धांत के रूप में समझाया है। जैसा कि सार्वलौकिक सुखवाद यानी कि सभी के सुख में अपना सुख है, उसी दर्शन को उपयोगितावादी दर्शन पर लागू किया गया है जिसमें कि मनुष्य जो है वह सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। मनुष्य के प्रत्येक कार्य का आधार जो है वह सुख होता है। तो इस प्रकार मनुष्य का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वह सुख प्राप्त करना चाहता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का सुख जो है इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जो सुख है वह दूसरे व्यक्तियों के सुख के साथ जुड़ा हुआ है। और उपयोगितावाद के अनुसार राज्य का अस्तित्व
ही उपयोगिता पर आधारित है, उपयोगितावाद पर आधारित है, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित है। तो हम उसी आधार पर इसको पढ़ेंगे कि राज्य के प्रति अगर हम भक्ति रखते हैं तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की प्राप्ति का प्रयास करे। तो राज्य के कानूनों का, राज्य के कार्य का आधार यही है। राज्य में जो भी राजनीतिक संस्थाएं, जो समुदाय हैं, उनके कार्यों का एक ही मापदंड है, वह है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख या अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण। तो इस आधार पर राज्य के जो कानून है, कार्य है, वह केवल उपयोगिता पर, व्यक्ति के सुख पर आधारित होते हैं। तो उपयोगितावाद में व्यक्तियों के सुख पर बल दिया गया है, जो ये समाज के व्यक्तियों के सुख का योग होता है और समाज कल्याण जो है वो व्यक्तियों के सुख का एक संग्रह होता है। तो इस दृष्टिकोण से उपयोगितावादी विचारधारा का आधार व्यक्तिवाद है, व्यक्तियों का सुख है, व्यक्तियों का हित होता है। जो व्यक्तिगत सुखों से मिलकर जो योग बनता है वही उपयोगितावाद होता है। तो इस प्रकार हम देखें कि उपयोगितावादी जो विचारधारा है वह राज्य के कार्यक्षेत्र की महत्वपूर्ण विचारधारा है, जो सुखवादी दर्शन पर आधारित होती है। और इस सुखवादी दर्शन का दर्शन, इस सुखवादी या उपयोगितावादी दर्शन जो है वो हमें उसके विचार में, डेविड हूम के विचारों में देखने को मिलता है। और इस प्रकार आधार पर हम देखें कि जो विचारधारा डेविड हूम ने बताई उसी को जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया प्रतिपादित। जॉन स्टुअर्ट मिल की विचारधारा को और आगे बढ़ाने का श्रेय जर्मी बेंथम को जाता है। जर्मी बेंथम की जो विचारधारा है वह आगे, उसने जॉन स्टुअर्ट जेम्स मिल की विचारधाराओं को भी प्रभावित किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल की जो उपयोगितावाद है उस पर कहीं ना कहीं पर जर्मी बेंथम का भी प्रभाव है। तो इस प्रकार हम देखें कि उपयोगितावादी विचारधारा जो है वो जर्मी बेंथम ने उस विचारधारा को राज्य के कार्यक्षेत्र का प्रतिपादन करते हुए जोड़ा, जिसमें कि उसकी जो मुख्य कृतियां थी जर्मी बेंथम की वो फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट और रेडिकलिज्म नॉट डेंजरस, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशंस, एशियन पॉलिटिक्स टैक्टिक्स में जर्मी बेंथम ने अपने इस विचारधारा का, उपयोगितावाद का प्रतिपादन किया। तो हम बेंथम के उपयोगितावाद के बारे में हम बच्चों पढ़ रहे हैं, जिसमें हम यह वर्णन करेंगे कि उसने उपयोगितावाद का जो प्रतिपादन है वो किस आधार पर किया है। उसने सुखवाद के सिद्धांत के आधार पर उपयोगितावादी विचारधारा का प्रतिपादन किया और नैतिकतावाद की जो पुरानी जो परंपरागत जो प्रथाएं हैं उसका खंडन किया। और उपयोगितावाद की सारी जो विचारधारा है बेंथम की वह सुख दुख के दर्शन पर आधारित है। तो इस आधार पर बेंथम ने उपयोगिता को नैतिकता और मानवीय जीवन का एक मुख्य आधार बनाया। और इसी आधार पर बेंथम ने कहा कि नैतिकता जो है वह प्राकृतिक कानूनों का स्रोत होती है। और इस आधार पर बेंथम ने कहा है कि चूंकि ईश्वरीय इच्छा प्राकृतिक विधि के आधार पर ही चलती है और मनुष्य को जो अच्छा लगता है वह वही करता है। और इस आधार पर जो प्राकृतिक अवधारणाएं जो है, ईश्वरीय इच्छा की जो अवधारणा है उसको उसने काल्पनिक बताया है। नैतिकता किसी अवधारणा को बेंथम ने काल्पनिक बताया है। और बेंथम इन्हीं अवधारणाओं का बेंथम खंडन करते हुए बेंथम ने सुखवाद में अपना विश्वास प्रकट किया और यही कहा है कि सुख और दुख दोनों ही प्रसन्नता और मनुष्य के दुख के दो शासक है और मनुष्य इन्हीं के अधीन होता है। और इस आधार पर बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और इस आधार पर उसने कहा है कि व्यक्ति कार्यों से ज़्यादा व्यक्ति परिणाम को प्राप्त करना चाहता है, यानी कि जिस कार्य से व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है व्यक्ति वही करता है और जिस कार्य से व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है व्यक्ति के लिए वो काम गलत है, व्यक्ति के लिए वो काम बुरा है। यानी कि जिस काम से सुख प्राप्त होता है वह काम अच्छा है, व्यक्ति उसी को करेगा और जिस काम से व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है वह व्यक्ति के लिए गलत है, बुरा है, अनैतिक है और व्यक्ति उससे बचना चाहता है। तो इस आधार पर बेंथम ने उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वह सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण के आधार पर बताया है। और इस आधार पर उसने सुख और दुख का बेंथम ने निर्धारण किया है कि सुख और दुख क्या होते हैं। और उसी आधार पर उसने बताया कि सुख और दुख का स्वरूप क्या होता है। सुख और दुख का स्वरूप यह है कि सुख जो कि व्यक्ति
को आनंद देता है और दुख जो व्यक्ति की पीड़ा का कारण बनता है। और इस आधार पर उसने सुख और दुख के स्रोत भी बताए हैं कि किस प्रकार सुख और दुख के स्रोत होते हैं, जिसमें उसने प्राकृतिक, राजनीतिक या कानूनी, नैतिक, सामाजिक और धार्मिक, इस पांच प्रकार के स्रोत उसने व्यक्ति के सुख और दुख के निर्धारण के बताए। और इस आधार पर उसने सुखों के गुणों को महत्व न देकर सुखों की मात्रा को उसने महत्व दिया है कि जितनी मात्रा में सुख होगा उतना ही व्यक्ति जो है वह उन कार्यों को करेगा। तो बेंथम ने सुख का गुणात्मक स्तर न बताते हुए उसका मात्रात्मक स्तर बताया है और उन सुखों को मापने का उसने एक यंत्र भी बताया है। सुख दुख का मापक यंत्र है जो कि सुखों को मापने का आधार बनता है। तो इस आधार पर जर्मी बेंथम ने सुख दुख का मापक यंत्र बताया है। तो इसको हम थोड़ा सा विस्तार में पढ़ेंगे, बेंथम के सुख और दुख के मापन यंत्र को, या उसका जो उसने उपयोगितावाद के जो सिद्धांत बताए हैं, जो उसका महत्व बताया है, उसको बच्चों हम विस्तार से अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे।